हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुचित। वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल किंग्स ट्रैप क्यूरेशन। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू अबाउट द शिलिन कॉस्टिक गैम्बिट। सो द शिलिन कॉस्टिक गैम्बिट प्लेड बाय द ब्लैक पीसेस। कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, शिलिन कॉस्टिक गैम्बिट इंटरमीडिएट एंड बिगिनर लेवल पे प्ले की जाती है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड द वीडियो। मैं गैम्बिट की शुरुआत e4 e5 किंग्स पॉन ओपनिंग एंड सिमेट्रिकल डिफेंस e5। सो नॉर्मल मूव नाइट टू f3, नाइट टू c6। ओके, नाउ बिशप टू c4। नाउ दिस गेम कंप्लीटली ट्रांसफर इनटू इटालियन गेम। उसके बाद नॉर्मल मूव होता है नाइट टू f6 एंड नाइट टू c3, फोर नाइट पोजिशन, या फिर गायको पियानो में हम बिशप निकाल लेते हैं पहले। ओके, बट हम इस गेम में बात करेंगे शिलिन कॉस्टिक गैम्बिट। तो हम यहाँ पे खेलेंगे नाइट टू d4 ऑफरिंग अ फ्री पॉन। हम वाइट को ये फ्री पॉन ऑफर करेंगे। ओके, तो अब हम वाइट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे। सो आफ्टर कैप्चरिंग द e5 पॉन, e5 पॉन को कैप्चर करने के बाद वाइट का बिशप एंड नाइट दोनों f7 स्क्वायर पे तगड़ा अटैक बना सकते हैं, और एक बार अगर नाइट यहाँ पे आ गई तो ये दोनों को फोर्क भी कर सकते हैं, रुक एंड क्वीन को। ओके, और एक बार अगर नाइट यहाँ पे आ गई फिर हमें इस स्क्वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए नाइट टू h6 प्ले करना पड़ेगा। बट यहाँ पे वाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें वो वाइट d3 चल के बिशप से h6 स्क्वायर को अटैक करके अपना अटैक यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है स्क्वायर पे। ओके, वाइट के पर्सपेक्टिव से ये देखा जाए सो वाइट यही सोच के नाइट टू e5, नाइट कैप्चर्स ऑन e5 करेगा। और अब हम चलेंगे यहाँ पे स्टनिंग मूव क्वीन g5। तो क्वीन g5 से हमने स्क्वायर पे g2 स्क्वायर पे अटैक किया एंड e5 स्क्वायर पे अटैक किया जहाँ पे नाइट है। ओके, तो वाइट हैप्पी हो गया, एक फ्री पॉन भी मिल गया एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन f7। इसके बाद हमारी क्वीन एंड रुक दोनों पे एक फोर्क हो सकता है। ओके, तो हम उसके प्लान को कोई रोकेंगे नहीं, लेट्स प्रोसीड। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे, सॉरी अब वाइट की मूव है नाइट कैप्चर्स ऑन f7। ओके, और अब हम अपने रुक को छोड़ देंगे, हम काम करेंगे क्वीन कैप्चर टू g2। अब वाइट काउंटर अटैक भी कर सकता है, लाइक रुक कैप्चर सोन h8 और हम क्वीन कैप्चर सोन h1 करें, दोनों को रुक कैप्चर करें। बट ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और आप ये सोच सकते हैं तब तक। ओके, बट हम गेम के मेन मूव पे चलते हैं, रुक टू f1 द मेन मूव। ओके, तो ये कह रहा है अपने रुक को बचा लूँगा और हमारा रुक स्टिल हैंगिंग है, बट ऐसा नहीं है। नो, गेम कुछ ही मूव में, चंद मूव में ख़त्म होने वाली है। अब हम चलेंगे क्वीन कैप्चर्स e4 चेक, देयर इज नो मैटर एट ऑल, कोई मैटर नहीं करता बिशप बीच में लाए e2 पे या फिर क्वीन, गेम इसकी एंडिंग की तरफ है। अगर बिशप टू e2 प्ले करता है देन नाइट टू f3 इज अ ब्यूटीफुल स्मदर्ड चेकमेट। ओके, और क्वीन टू e4 का तो सवाल उठता ही नहीं, बिकॉज सिंपली नाइट कैप्चर्स ऑन e2। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक लास्ट लाइन दिखाता हूँ, क्योंकि लास्ट लाइन थी यहाँ पे। अगर वाइट इसको बचाने के बजाय हमारे रुक पे अटैक करता है, सॉरी लाइक नाइट कैप्चर्स ऑन h8, तो पहले हम इसका रुक कैप्चर करेंगे, रुक कैप्चर्स h1 चेक, किंग के पास मूव नहीं है,
ये दोनों स्क्वायर गार्ड हैं, तो एक ही लीगल मूव बचा है, बिशप टू एफ वन। ओके एंड नाउ क्वीन कैप्स ऑन ई फोर चेक। सो क्वीन बीच में लाना कोई अच्छी बात नहीं है बिकॉज नाइट कैप्स ऑन ई टू। ओके तो जो मूव बचता है दैट इज बिशप टू ई टू। एंड नाउ आफ्टर नाइट कैप्चर्स ऑन सी टू, क्वीन को इसको कैप्चर नहीं किया जा सकता बिकॉज हमारी क्वीन प्रोटेक्ट कर रही है इसको। ओके तो एक ही मूव बची है, किंग टू एफ वन। सो नाउ मेड इन मूव वन, एक मूव में ही चेकमेट हो रही है किंग की, क्वीन एच वन चेकमेट। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके देन लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके सो जय हिंद वंदे मातरम।